स्टूडेंट्स, चलिए आपका एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए मैग्नीशियम के साथ हीट करने पर दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बी देता है। यदि हम बी की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हैं और प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2-प्रोपेनॉल मिलता है। इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना है और यह बताना है कि कंपाउंड बी को किस नाम से बुलाया जाता है। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और कुछ समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। आई होप आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है कि यदि हम बी को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएं और उसके हाइड्रोलिसिस करें तो हमें 2-प्रोपेनॉल मिलता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर कंपाउंड में एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो यह मिथाइल ग्रुप बी से मिल रहा होगा। यदि हम अब तक पढ़ी रिएक्शंस को रिकॉल करें तो यह रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन के सिमिलर है, जिसमें अल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अल्कोहल देता है। तो यहाँ पर बनने वाला अल्कोहल भी सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इस तरह से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि बी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा CH3MgBr। और अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन के रिएक्शंस को रिकॉल करें तो यदि हम अल्किल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाता है। इस तरह से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ए मिथाइल ब्रोमाइड होगा, क्योंकि ए को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करने पर हमें बी मिलता है, जो कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए होंगे।